हे एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके साथ और पंशुतोधर और आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। मिंटू के दुख दे दिया। मिंटू पांच मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, बता रहा था हूँ इसके लिए। इतनी गर्मी में बाजार आने जाने का मूड ही चला जाता है। इतना गर्मी। हेलो एवरीवन, आ चुका हूँ मैं टाउन हॉल में और फ्राइडे से मेरा टाउन हॉल में एक प्रोग्राम है जो है सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम हमारा एनजीओ से। तो इसके लिए हम टाउन हॉल के अंदर देखने आए हैं कितना बड़ा फ्लैक्स यहाँ पर लगाना होगा और क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए हम आए हैं टाउन हॉल में और आपको एक टाउन हॉल का सिनेमेटिक वीडियो हम दे देंगे, तो आप लोग देखना। चुका है मेरा बेल वाने रूम से, इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको देखते हैं क्या है। इसके लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में था, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ इसके लिए। आप बोल सकते हो मेरा ड्रीम बेल्ट है ये लगभग मुझे 11,100 समथिंग कॉस्ट किया है। ये लगा लीवर इसका, आ चुका है मेरा लिवर बेल। इसको फिट करना पड़ेगा। बकल आप तो देख सकते हैं ब्लैक कलर का है और बहुत ही सुंदर एक इसमें इसका लोगो भी दिया हुआ है और मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। ये ऊपर 1RM का आप लोगो देख सकते हैं। सच बताऊँ तो बहुत ही लाइट वेट है। मैंने USI का भी यूज़ किया है, मेरा दोस्त का है, उसका वाला थोड़ा ज़्यादा हेवी है, ये थोड़ा लाइट है और ये 30mm का है। तो इसको फिट करेंगे और इसके ऊपर मैं एक डिटेल में इसके रिव्यू वीडियो दे दूंगा। मैं कुछ दिन यूज़ करूंगा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक रिव्यू वीडियो जल्दी से दे दूंगा। चलो इसको फिट करते हैं। बकल को मैं कर चुका हूँ फिट और सच बताओ तो बकल थोड़ा हेवी है, मगर
बॉडी है ना इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा लाइट वेट है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है अंदर से, बहुत ही मजा आता है इसको पहनने में। मैं आपको दिखाता हूँ इनके, ये लीवर इसको करते हैं लॉक और हो चुका है लॉक, और ओपन करने में भी बहुत इजी है, जस्ट पुश। सच बताओ तो सब लोग लीवर बैंड को पसंद करते हैं इसी रीजन से, क्योंकि इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता पहनने में इन कंपैरिजन टू अदर बेल्ट्स। लीवर बैंड में आप लोग सिर्फ को ये फिट करना है, इसके बाद लीवर को थोड़ा कस देना है इस तरह से, और ये टाइट हो चुका है और आपको खोलने में भी बहुत इजी है, जस्ट पुश एंड इट्स ओपन। इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो में बना दूंगा, मैं पहले कुछ दिन इसको यूज करूंगा, नियर अबाउट 1 मंथ में इसको यूज करूंगा अच्छे से, इसके बाद मैं इसके ऊपर रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज ही लाया और एक दिन यूज करके रिव्यू वीडियो दे दूंगा, ऐसा नहीं, मैं थोड़ा दिन यूज करूंगा इसको, उसके ऊपर मैं डेडलिफ्ट स्क्वाड ब्रेंच लगाऊंगा, इसके बाद मैं चेक करूंगा कि इसमें ब्रेसिंग्स और मारने में कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं, इसके बाद मैं आपको इसका एक रिव्यू वीडियो दूंगा। मैं ऐसे में मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मेट इसका बोकल बहुत ही अच्छा है, इसका अब जैसे लोगो भी बहुत सुंदर से एम्ब्रेस किया हुआ है वन आर एम ने, बहुत ही सुंदर है ये बेल्ट ऐसा। तो आपको इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, और अब मैं इसके साथ आज लगाऊंगा कुछ वर्कआउट में डेडलिफ्ट, तो चलो चलते हैं जिम और करते हैं कुछ वर्कआउट, चलो। आप लोगों को कुछ दिखाना है, मैंने और मेरे भाई ने मिलकर 2-3 दिन लगा के एक चीज बनाया है जो आप लोगों को दिखाना है, और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा हुआ ये चीज। ये रहा एक डक, कैसा हुआ है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वाला Hey everyone, hope you like my video. If you like my video, then don't forget to like, comment and subscribe. Or जुड़ रही है हमारे साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ और पंशुद्रधर, पीस।